ब्राउनी, वाओ। स्क्रीन पे देख के जरूर ही मन कर रहा होगा कि हम भी एक बाइट तो खा ही लें, है ना? ओके, ब्राउनी के बारे में लगभग हर कोई जानता ही है कि ये अमेरिका में बहुत ही प्रचलित एक डेजर्ट के तौर पे इसको लिया जाता है। और अगर आपका भी मन है कि ऐसा ब्राउनी अपने घर पे बनाएं, तो ये कैसे बनाएंगे, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल MST में। दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक बहुत ही अच्छी रेसिपी लेके आया हूँ, जिसमें ये इंग्रेडिएंट्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। यही चीज़ें खाली हमें इस ब्राउनी को बनाने के लिए यूज करना है। इंग्रेडिएंट के तौर पर हमने इसमें लिया है, एग्स लिए हैं रूम टेम्परेचर पर, कस्टर्ड शुगर है, रिफाइंड फ्लोर है, वॉलनट है, बेकिंग पाउडर है, कोको पाउडर है और डार्क चॉकलेट है। दोस्तों, बस हमें यही इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है एक बहुत ही डिलीशियस ब्राउनी बनाने के लिए। तो चलिए मैं फटाफट से बता देता हूँ आपको कि कितना कितना हमें क्वांटिटी लेना है। इसके पहले दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि ये जो रेसिपी है ये 6x9 इंच के दो पैन के लिए है, इसमें हम बेक करने वाले हैं। तो ये दो पैन के लिए होगा, 6x9 इंच के। इसकी रेसिपी दोस्तों स्क्रीन पे फ्लैश हो रही है, तो आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। और ये 6x9 इंच के जो दो पैन बता रहा था, ये बेकिंग के लिए है। तो हमने इसको ग्रीसिंग करके एक पेपर लगा के रख लिया है, बटर पेपर। अब चलिए अंडा तोड़ते हैं। हाँ हाँ, मुझे पता है कि आप लोगों में से कई लोगों को अंडा तोड़ना बहुत ही अच्छा लगता है, नॉटी भी है ना। तो चलो, अभी हमने एग्स को ले लिए हैं एक बाउल में। इसके बाद से हम एक एक करके 6 के 6 एग्स को तोड़ लेंगे, योल्क और वाइट दोनों साथ में ही, ठीक है। अब इसके आगे हमें क्या करना है, जब तक हम अंडे को अपना बीट करेंगे, तब तक जो बटर है वो और जो डार्क चॉकलेट है वो, थोड़ी सी चीनी मिला के उसमें माइक्रो ओवन में या डबल बॉयल पे रख देंगे, सो दैट ये मेल्ट हो जाए और मेल्ट होके ठंडा भी हो जाए। तो जब तक वो मेल्ट होता है उधर, तब तक हम यहाँ पे अपने एग्स को बीट कर लेते हैं, जो चीनी है, शुगर है इसके साथ। तो इसमें दोस्तों धीरे 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 करके हम शुगर को डालेंगे, एक एग से ही नहीं डाल देंगे, एक ही बार में हमें नहीं डालना है, ताकि इसका जो वॉल्यूम हो वो अच्छा आए। अगर हम धीरे 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 इसमें ऐड करेंगे शुगर और मशीन को कंटिन्यू रखेंगे। चलिए, अभी यहाँ साइड में ये भी अपना मेल्ट होके तैयार हो गया है। दोस्तों इतना ही हमें मेल्ट करना है, इसके बाद से हमें ना कंटिन्यू इस स्पैचुले से इसको चेक करना है। और ये कुछ देर के बाद आप पाएंगे कि ये आपका प्रोडक्ट ऐसा दिख रहा है, जो चीनी है, बटर है और चॉकलेट है। अब यहाँ पे भी हमारा ये फोमी होने लगा है धीरे 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 धीरे, ये और भी थोड़ा सा फोमी होगा, तब तक इसको हम कंटिन्यू बीट करते रहेंगे अपने मैक्सिमम स्पीड पे मशीन के। और ये जैसा कि देख पा रहे हैं आप, अभी एक्चुअली जो रेस्ट इंग्रेडिएंट्स हैं वो इस छोटे से बाउल में नहीं आ पाएगा, इसके लिए हमने अभी शिफ्ट किया है दूसरी बाउल में। तो जो हमने मेल्ट करके रखा हुआ है चॉकलेट और ये, वो हमने इसमें मिक्स कर लिया है और अच्छे से इसको साफ़ कर लेंगे। दोस्तों बहुत महंगा आता है, तो कोई भी वेस्टेज ना जाए, इसके लिए हम अच्छे से इस स्पैचुले से साफ़ करके और इसमें मिक्स कर दिए हैं जो मेल्टेड चॉकलेट है उसको, और जो एग और शुगर का मिक्सचर है उसको, दोनों को आपस में हम कंबाइन कर रहे हैं मशीन के थ्रू। और ये ध्यान रहे दोस्तों, जब हम ऐड कर रहे हैं तो इसमें गर्म गर्म हमें ऐड नहीं करना है, इसलिए मैंने पहले ही गर्म करके रख लिया था, ताकि टेम्परेचर उसका डाउन हो जाए जब मैं मिक्स करने जाऊँ। तो दोस्तों अभी हमारा मिक्सर रेडी है, अब हम इसमें डालेंगे रिफाइंड फ्लोर लास्ट स्टेप के तौर पर। इसमें हमने बेकिंग पाउडर मिक्स कर रखा है ये फ्लोर में, रिफाइंड फ्लोर में, जो कि ऑल पर्पज फ्लोर है। और इसमें ही हम कोको पाउडर भी ऐड कर रहे हैं, और एक स्टेनर की मदद से हम छान लेंगे इसको, ताकि इसमें अगर कुछ कण हैं वो दूर हो जाए और ये लम्ब्स ना हो अंदर, अच्छे से मिक्स हो सके हमारे बैटर में। ये हमने छान लिया है दोस्तों, और अब हम इसको मिक्स करेंगे मशीन से धीरे 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 धीरे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम इसको स्लोली स्पीड पे पहले धीरे धीरे कंबाइन कर रहे हैं,
इसको मिक्स कर रहे हैं। इसके बाद से जब इसमें ड्राइनेस जो ड्राई इन्ग्रीडियंट्स हैं वो पूरी तरह से अच्छे से मिक्स हो जाए, तो देखिए इसकी पहचान ये होती है कि अब ये अच्छे से मिक्स हो गए हैं। ये जो तारनुमा बन रहा है ना, जैसे चाशनी बनाई जाती है। अब देखिए इसमें हम साइड से जो भी चीज़ें लगी होंगी, जो ड्राई इन्ग्रीडियंट्स हैं जो मिक्सचर नहीं हो पाए हैं अच्छे से वेटर में, तो वो मिक्स हो जाएंगी। अब हम इसमें जो हाफ़ वॉलनट है, जो हमने वॉलनट लिया है ना 70 ग्राम, 35 ग्राम के अप्रॉक्स हम इसमें अंदर डाल देंगे, ताकि जब हम ब्राउनी अपनी बेक करके बाहर निकाले और जब सर्व करें, खुद खाएं या किसी को दे, तो उसमें जो अंदर का पार्ट है उसमें भी वॉलनट निकलना चाहिए। अब हमने आधा वॉलनट ले लिया है अंदर, आधा वॉलनट ले लिया हमने टॉप करने के लिए। अब इसमें हमने दोनों में ही इक्वल क्वांटिटी में जो वेटर है हमारा, उसको हमने रख लिया है, और ऊपर से हम गार्निशिंग के तौर पर वॉलनट को स्प्रे कर देंगे दोस्तों। इसके बाद से हमें ओवन में डालना है इसको। प्री हीट ओवन हमने कर लिया है। इस समय हमारे ओवन का टेम्परेचर है 175 डिग्री सेल्सियस, और हम इसको बेक करेंगे 30 to 40 मिनट्स के लिए दोस्तों। दोस्तों देखिए ये हमारा अभी 30 मिनट्स बीत चुके हैं, और अभी मैं इसको थोड़ा 5 मिनट और लूँगा बेकिंग में। ताकि दोस्तों एक टिप्स है, अगर आप अपने ओवन में बेकिंग करने के लिए रखते हैं तो इसको बार बार खोल के देखें नहीं, एक बार आप टेम्परेचर सेट करके इसको डाल दीजिए, और 30 मिनट तक आपको ओवन खोलना नहीं है। इससे क्या होगा, अगर आप खोलेंगे टेम्परेचर लॉस होगा तो आपका ब्राउनी जो है वो नीचे दबने के चांसेस बहुत हाई हो जाता है।